आज की स्टूडियो मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन पहला देखा जाए, इसमें क्या कहा गया। एक बहुभुज में प्रत्येक वाहक कोण 120 अंश का है, तो भुजाओं की संख्या है। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया, ठीक है। इसमें दिया कि एक बहुभुज में प्रत्येक वाहक कोण कितना 120 अंश है, तो भुजाओं की संख्या आपसे पूछा है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है बहुभुज का वाहक कोण बराबर कितना होता है, 360/n होता है, ठीक है। जो मैंने आपसे बोला मैं आपको यहाँ पे लिख, चलिए देखिए, जो मैंने आपसे बोला था मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। बहुभुज का वाहक कोण बराबर कितना, 360/n, जो एन क्या है, भुजाओं की संख्या को शो करेगा। एन किसको शो करेगा, भुजाओं की संख्या को शो करेगा। और इसका मान आपको देखिए क्वेश्चन में दे दिया, बहुभुज का वाहक कोण कितना दिया, यहाँ से 120 अंश दिया है। आप क्या करें, यहाँ से लिख लीजिए इसका मान कितना, 120 डिग्री है और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बाई कितना हो जाएगी, एन हो जाएगी। अगर इसको यहाँ से पूरा पूरा काट दो तो कितने में कटिए, 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अब करने के इसका अगर इधर करेंगे तो कितना मिल जाएगी, एन मिल जाएगा, और इधर कितना बच गया आपका, 3 बच गया। अर्थात आप बता सकते हैं कि भुजाओं की संख्या कुल कितनी है, 3 है। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है। 15 आदमी एक खिलौने को 20 दिन में बना सकते हैं, तो 8 आदमी उसी खिलौनों को बनाने में कितना समय लेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया, जो 15 आदमी है एक खिलौने को कितने दिन में बनाने के लिए कह रहे हैं। तो प्रश्न में पूछा कि 8 आदमी उसी खिलौने को कितने दिन में बनाएंगे, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। 15 आदमी इतने दिन में करने के लिए कह रहे हैं, बनाने के लिए कह रहे, तो आप यहाँ से क्या करें, 15 × कितना हो जाएगा, 20 हो गए। अब इक्वल टू उसी खिलौने को हम क्या करें, बराबर कर ले रहे हैं। 8 आदमी कितने दिन में बनाएंगे, हम लोग मान लें कितने दिन बनाएंगे, ये लोग एक्स दिन में बनाएंगे। अब करना कि इसका कैलकुलेशन करिए और आपका क्या जाएगा, आंसर आएगा। तो 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, कार के छोटा कर ले रहे हैं, 4 × 8 हो गया और ये 4 × 5 = 20 हो गया। अगर इसका यहाँ से गुणा कर दू कितना मिल जाएगा, 15 × 5 = 75 मिल जाएगा। अब 75 में क्या करना है, 2 से भाग देना है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि 75 का आधा कितना हो जाएगा, 37.5 होगा। आप यहाँ से क्या करिए, 37.5 लिख लीजिए। अर्थात आप बता सकते हैं कि 8 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, 37.5 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है। 3 संख्याओं का योगफल 245 है, यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना, 2:3 है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। अगर हम लोग मान ले पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है और तीसरी संख्या कितनी है, सी है। आप यहाँ से लिख लिए, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात आपको इतना दिया है, तो हम लोग पहली संख्या ए मान ले रहे हैं और दूसरी संख्या कितना, बी, इनका अनुपात कितना दिया है, 2:3 दिया। आप यहाँ से लिख लिए। फिर क्या कहा गया, दूसरी और तीसरी यानी बी और सी, बी और सी का अनुपात कितना दिया गया है, कितना दिया गया, 5:8 दिया गया। आप यहाँ से लिख लीजिए। तो प्रश्न में पूछा कि दूसरी संख्या पूछा है, तो सबसे पहले ये देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टेक्निक ये है कि जो इसका अंत अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए, इस बात को ये फॉलो करा। दूसरी पॉइंट आपको ये ध्यान में देना है, क्या बी का मान दोनों जगह सेम है, क्या यहाँ पे बी का मान 3 है और यहाँ पे बी का मान कितना, 5 है। तो बी का कन्फर्म मान पता करने के लिए आपको क्या करना है, यानी बी का एग्जैक्ट मान पता करने के लिए आपको क्या करना है, ए बी सी आप क्या करिए, यहां से लिख लीजिए। बी का एग्जैक्ट मान पता करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, करने के इसका यहाँ से गुणा कर लिए, इसका क्या करना आपको, इसमें गुणा कर लिए तो कितना हो जाइए, 10 हो गया। आपने पहली बार गुणा किया, इसको पहले यहाँ से पहला क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब इसका क्या करना है, इसमें गुणा करना है, इसमें गुणा कर लेंगे 3×5 = 15 हो गया। कितना हो गया, 3×5 = 15। और दूसरी बार में इसका पहला क्या हो गया, यहाँ से रिजेक्ट हो गया। अब जो बच गए इनका आपस में क्या करिए, गुणा कर लीजिए। अगर इनका आपस में गुणा कर लिया जाए तो कितना मिल जाएगा, 8×3 = 24 हो गया, ठीक है। अब देखिए तीनों संख्याओं का मान आपको रेशियो में पता चल गया और क्वेश्चन में क्या दिया गया, तीनों संख्याओं का योग कितना दिया गया, तीनों संख्याओं का योग कितना दिया गया, यहाँ से 245 दिया गया। अगर रेशियो में तीनों संख्याओं को जोड़े तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, इनको क्या करना है, जोड़ना। अगर तीनों को जोड़ेंगे रेशियो में तो 49।
यहाँ से योग इतना मिल रहा है लेकिन क्वेश्चन में जितना इतना दिया है, तो करना है क्या आपको इस योग से इस योग में क्या करना है आपको भाग देना है। अगर आप भाग देंगे ये 49, अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, पूरा 5 बार में ये कट जाएगा। अब भाग देने के बाद पूछा क्या है दूसरी संख्या ना, तो जितनी बार भाग जाएगी आप सेकंड वाले में लाके गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इसमें कर लीजिए सेकंड वाले में, तो 15 25 75 हो गया। अर्थात आप बता सकते कि उन तीनों संख्याओं में दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 75 होगी। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर हम लोग मान लें कि पहली संख्या कितना एक्स है और दूसरी संख्या कितनी वाई है, ठीक है, दूसरी संख्या कितनी वाई, अब जो कंडीशन है उस कंडीशन को लोग फॉलो करते हैं, तो एक संख्या का 60% ये पहली संख्या क्या करना आपको 60% निकालना, परसेंटेज हटाएंगे तो ये बटा 100 दे देगा, इतना आपको क्लियर है। फिर क्या कहा गया, दूसरी संख्या के 2/3, दूसरी संख्या क्या कर दे 2/3 कर दिया जाए तो ये आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, आप यहां से क्या करें इनको बराबर कर लीजिए। अब कि 20 से ये भी कटेगा 20 से ये भी कटेगा, तो 20 25 100 हो गया और ये 20 3 60 हो गया। अब इसके बाद देखिए कटेगा नहीं, ठीक है, ना तो इस तरह से कटेगा और ना ही इस तरह से कटेगा और ना ही इस तरह से कटेगा। तो आपसे पूछा क्या है, यानी इन संख्याओं का अनुपात पूछा, एक्स और वाई का क्या करना आपको अनुपात निकाल, तो एक्स को हम यहीं पर रहने दे रहे हैं और वाई को हम इधर ला दे रहे बट्टे में कर दे, तो यहां से कितना होगी एक्स बट्टे वाई होगी। अब 5 को लोग क्या करें, तिरेक में जा गुणा कर दे, कितना हो गया 5 × 2 = 10 हो गया और नीचे 3 है, इसका क्या करें हम इसमें गुणा कर दे, तो कितना हो गया यहाँ से 9 हो गया। आपको क्या पूछा अनुपात बताना, आपसे क्या पूछा गया अनुपात पूछा गया, अगर कहीं बट्टे के फॉर्म में लिखा है आप क्या कर सकते, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स अनुपात वाई, अगर कहीं बट्टे के फॉर्म में लिखा है इस तरह से तो आप इसको इस तरह से लिख सकते, कोई फर्क नहीं, तो आपको भी तो इस तरह से लिख सकते, इसको भी कितना हो गया 10 / 9। अर्थात आप बता सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात कितना हो जाएगा 10/9। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, अमित एक बस 15% की हानि पर इतने रुपए में बेचता है तो उसे 15% का लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया। ठीक है, अगर अमित क्या कर रहा, कोई बस खरीद के ला रहा है और उससे क्या कर रहा 15% की हानि पर इतने रुपए में बेच दे रहा है, तो प्रश्न में ये पूछा गया अगर उस बस को क्या कर दे 15% का लाभ चाह रहा है तो बस को किस मूल्य पर बेचे, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया। ठीक है, अगर हम लोग मान लें कि अमित जो बस को खरीद के लाया होगा उसका क्रय मूल्य क्या रहेगा, अपने आप में 100% लाभ, अगर ये क्या कर इसमें से 15% की हानि पर बेच दे रहा है, इसमें से क्या कर दे रहा है 15% की हानि पर ये बेच दे रहा है, तो इसमें से दाम कितने के ले रही है परसेंटेज में 85% का दाम ले रहा है और रुपए में इतने रुपए ले रहा है, कह सकते हैं आपको ये 85% है क्या, इसमें 85 से भाग दे दीजिए 100 से गुणा कर आपको क्या पता चल जाएगा, बस का क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको इसमें क्या करना, आपको 85 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लीजिए 85 × कितना ये 100, ये बस का क्रय मूल्य आ गया। अब वो चाह क्या रहा है 15% का लाभ चाह रहा है, आपको क्या करना आप इसका डायरेक्ट क्या करें 115% आप निकाल लीजिए, ये 100% आ गया, अब ये 15% का लाभ चाह रहा है इसका क्या करें आप डायरेक्ट 115% आप निकाल दीजिए, ये 0 से 0 यानी 00 से 00 कट गया, अभी क्या 17 से ये भी कटेगा और 17 से ये भी कटेगा, 17 × 25 = 85 हो जाएगा, अब इसको काट दो तो 17 × 1 = 17 हो गया और 17 × 4 = 69 हो गया, ये 00 अभी बचा है, अगर इसको यहां से काट दूं तो कितने कटिए 23 बार में कट जाएगा, पूरा 23 बार में कट जाएगा। अब करना है कि इनका आपस में मल्टीपल कर लिए और आपको क्या देगा आंसर देगा, हम लोग यहाँ से गुणा करते हैं तो लास्ट में कितना 00 मिलेगा आपको और ये 14 × 3 = कितना 42 हो गया और 14 × 2 = 28, 28 सर कितना हो गया 32 हो गया। ठीक है, अर्थात आप बता सकते हैं कि बस को किस मूल्य पर बेचे, इतने रुपए में बेचेगा तो उससे क्या हो जाएगा 15% का लाभ हो जाएगा। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है 32,200, तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन से देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, एक व्यापारी ने एक वस्तु पर 50% अधिक मूल्य अंकित किया तथा बाद में उस पर 20% की छूट दी, छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा फिगर द्वारा समझा दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अगर हम लोग मान लें कि माना उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, मान लें कि माना
वस्तु का क्रय मूल्य कितना 100 रुपया, वस्तु का क्रय मूल्य कितना ये है 100 रुपया। अब ये कर क्या रहा है, जो अंकित मूल्य दिखा रहा है वो क्या कर रहा है, 50% अधिक अंकित कर रहा है, यानी जो जितने के रुपए खरीद के लाया था इससे 50% क्या कर रहा है, अधिक अंकित कर रहा है। आप यहां से लिख लीजिए कि अंकित मूल्य, यहां से आप लिख लीजिएगा अंकित मूल्य, ठीक है, कितने रुपए इंडिकेट कर रहा है ये, क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित कर रहा है, यानी खरीद के लाया 100 रुपए में, तो इसे इंडिकेट कितने करेगा ये 150 रुपए इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब ये कर क्या रहा है, इस पे अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे, यानी इस पर क्या कर रहा है ये 20% क्या कर दिया, ऑफ दिखा दिया, मीन छूट दिखा दिया। जब ये इसे बेचेगा इसे लाभ होगा कि हानि होगा, इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया, ठीक है। अगर हम लोग मान लें ये जो वस्तु का अंकित मूल्य अपने आप में क्या होगा 100% होगा, इस वस्तु का जो भी अंकित मूल्य अपने आप में क्या 100% है, अगर इसमें से 20% की छूट दे दे रहा तो इसमें से दाम कितने का लेगा 80% का लेगा। तो आपको करना क्या, 150 का क्या करिए आप 80% आप निकाल दीजिए। अगर आप इसका 80% निकाल देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि उसने उस वस्तु को कितने रुपए में बेची थी, 15 बटे कितना हो जाएगा 120 रुपए, अर्थात ये वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा है 120 रुपए में बेच रहा है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद वस्तु को इतने रुपए में बेच रहा है, और खरीदा कितने था 100 रुपए में और बेच दे रहा कितना 120 रुपए, तो यहाँ के हिसाब से इसे कितने परसेंट का लाभ हो गया 20% का लाभ हो गया, ठीक है। ये आपका क्या गया आंसर आ गया, ये आपका क्या गया आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, और प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आपको पढ़ा दिया है, जिसके करीब 7 से 8 वीडियो बनी है, उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में इतना यानी 5000 चक्कर पूरा करता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आंसर देखिए सभी किसमें दिया, सेंटीमीटर में दिया है, ये जो किलोमीटर आपको क्या करना है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा करना होगा, इसमें आप यहां से क्या करिए 44 इंटू कितना ये 1000 हो गया, ये आपका किसमें हो गया मीटर में हो गया, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, अभी 100 से गुणा करना है, ठीक है। आप यहां से लिख सकते हैं कि 5000 यानी 5000 चक्कर में तय की गई दूरी कितना, इतना दूरी है, आप यहां से लिख लीजिए कि 5000 चक्कर में तय की गई दूरी कितना है, तय की गई दूरी कितना ये ले रहा, इतना ले रहा, आप यहां से कर इतना दूरी तय कर रहा है, कितना ये 1 2 3 4 5, अगर यहां से 5000 चक्कर में इतना दूरी तय कर रहा है, इससे किसमें हो गया आपका सेंटीमीटर में हो गया, तो एक चक्कर में तय करने में कितना दूरी ले गई ये, आप यहां से कर सकते हैं, इससे क्या करिए आप भाग दे दीजिए, ठीक है। आपको करने के इसमें भाग दे देना है, ठीक है, 1 2 3 4 हो गया और एक और हो गया, यहां से कितना ये 5000, यहां से ये 3 इसका कट जाएगा, ये 3 0 इसका कट गया। अगर इसको यहां से काट दू तो ये कितने में कट जाइए, तो अगर यहां से काट दो तो 5 8 40 हो गया, और 4 इधर गया तो 5 8 40 हो गया, अर्थात इतना बचाइए, अर्थात आप बता सकते हैं कि एक चक्कर में क्या करा ये इतनी सेंटीमीटर दूरी तय करा है। जैसे कहने का मतलब ये कि अगर ये साइकिल का पहिया है, अगर ये साइकिल का पहिया है तो इसे एक चक्कर तय करने में कितना दूरी तय कराइए, इतना सेंटीमीटर दूरी तय करा है, ठीक है। अगर ये दिखाए तो आपको ये वृत्त का काम करेगा, तो वृत्त का भी तो ये काम करेगा, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr, यानी परिधि का मतलब कितना इसका पूरा हो जाएगा, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, आप यहां से लिख लीजिए कि वृत्त की, ठीक है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr होता है, 2πr होता है, और ये वृत्त की परिधि का मतलब कितना, इसका मान आपको दे दिया, इसका मान आपको दे दिया कितना दिया, इतना सेंटीमीटर आपको दिया है, तो क्या कर सकते हैं आप, इसका इतना रख सकते हैं, आप यहां से रख लीजिए, और इधर से कितना हो जाएगा 2 हो गया, और पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, 22/7 हो गया, इतना क्लियर है। आर का मान आपसे पूछा तो आप क्या कर इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। अगर यहां से गुणा कर लो 22 2 44 हो गया, 22 2 कितना हो गया 44 हो गया, अगर 44 इसको काट दो तो कितने कटिए 20 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, ये 44 हो गया, 44 से जो 88 है 2 बार में कट जाएगा और 0 आपका बचा है। तो आपको क्या करना, आर का मान निकालना, तो क्या कर इसका त्रिज्या में गुणा कर लीजिए, तो यहां से आर बारह कितना हो गया 7 2 14 हो गया, कितना हो गया 7 2 14, अर्थात आप बता सकते हैं कि पहिए की त्रिज्या कितना हो गई 140 सेंटीमीटर है। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में करना क्या है एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है।
आपको सबसे पहले इसे क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर में आपने कन्वर्ट कर लिया तो 5000 चक्कर तय करने में, यानी 5000 चक्कर में तय की गई दूरी कितना, इतना है। तो एक चक्कर में पता करना होगा, एक चक्कर में आपको इतना दूरी तय करा। इसका मतलब ये हो गया कि वृत्त की परिधि कर सकते हैं, साइकिल का पहिया है तो ये क्या करेगा, वृत्त का भी तो काम करेगा, ये आपका वृत्त का काम करेगा, यानी इसका ये परिधि का काम करेगा और इसका मान आपको दे दिया। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है। अब इस पर रखकर सॉल्व कर लिया और आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत, आप इसको आयत कर लीजिए, यदि आयत का परिमाप 112 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछे, आपसे क्या पूछा गया, आयत की लंबाई पूछा गया। अब इसमें ये कंडीशन है कि आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से कितना 24 सेंटीमीटर अधिक है। लंबाई को एल से इंडिकेट करते हैं और चौड़ाई को बी से इंडिकेट करते हैं। आप यहां से लिख लीजिए, एल माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कंडीशन है कि आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2π ब्रैकेट में कितना होता है, 2l प्लस कितना होता है, ये b होता है। आप यहां से लिख सकते हैं कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस b होता है। इतना क्लियर है। अब आयत का परिमाप, यानी इसका मान आपको दे दिया, आयत का परिमाप कितना है, 112 है। इसे क्या कर सकते हैं, आप 112 रख सकते हैं। अगर इसको यहां से काट दो तो कितने में कटिए, 56 बार में कट जाएगा। तो आपको ये भी पता चलिए कि एल प्लस बी का मान कितना है, 56 है। आप क्या करें, यहां से देख लीजिए एल प्लस बी का मान कितना दिया, यहां से कितना हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा कि आपसे लंबाई पूछा है तो दोनों को जोड़ दीजिए। अगर जोड़ दूं ये आपस में माइनस हो जाएंगे, प्लस ये रिजेक्ट हो जाएंगे, ये आपस में क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, प्लस माइनस। ठीक है, यहां से बचा क्या आपका, 2l बच गया और इधर कितना हो गया, यहां से जोड़ लीजिए तो यहां से 6 4 10 हो गया, 5 2 7 1 8 हो गया। अगर इसको यहां से काट दूं तो l बराबर कितना, यहां से 40 सेंटीमीटर आ गया। ये आपको क्या गया, आंसर आ गया। ठीक है, अभी का ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा क्या गया, एक बार को फिर से समझा दे रहा हूं, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से कितना, 24 सेंटीमीटर अधिक, जो l माइनस बी करेंगे तो कितना मिल जाए, इतना। ये आयत का क्या दिया, परिमाप दिया। अगर ये आयत का परिमाप दिया, इसका आधा कर लूं, इसका आधा कितना मिल जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई मिल जाएगा, तो आपको ये मिल गया। ठीक है, आप करने के इसको क्या करिए, आप यहां से रख लिए, जोड़ लीजिए, आप ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।